सो हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी न्यू ऑफर के बारे में नहीं बताऊंगा। आज के इस वीडियो के अंदर जस्ट मैं एक पुराना ऑफर का अपडेट दूंगा। एंड कुछ लोगों का इशू आ रहा था, कुछ लोगों का पेमेंट करते टाइम जो है कि पेमेंट डिक्लाइन हो रहा था, सारी चीज इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया हूँ। कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मैं सॉल्व कर दिया, तो इस वीडियो में आप फर्स्ट एंड तक बने रहिए, सारी चीज आप लोग इस वीडियो थ्रू देखने को मिल जाएगी। और कुछ लोग ये भी बोल रहा था कि भाई आपने तो गूगल प्ले स्टोर का जो है कि 95% ऑफ 180 रुपीज वाला ऑफर दिखाया, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 80 वाला ऑफर मिला है, तो हम लोग कैसे 80 वाला ऑफर का अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो है कि मैं सारी चीज कवर कर दिया और अनलिमिटेड ट्रिक कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी बताया हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहे, और जो लोगों को ये ऑफर के बारे में पता है वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इस वीडियो को फर्स्ट टू एंड तक देखना। तो देखो गाइस, 80 वाला ऑफर को लूटने के लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। इसके बाद जो है कि नोटिफिकेशन सेक्शन है या बार है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद इधर देख सकते हो कि मेरा 80 रुपीज वाला ऑफर मिला है, और ये ऑफर जो है कि टेलीग्राम का लोगो रहता है, टेलीग्राम थ्रू भी आपको मिल सकता है, तो कोई भी मतलब एप्लीकेशन थ्रू मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है कि 80 रुपीज वाला आपको इधर ऐसा कुछ ऑफर शो हो रहा है कि नहीं अब देख लेना। ऑफर शो होगा तो सबसे पहले ऑफर बैनर पे क्लिक करके ऑफर को क्लेम कर लेना या तो सेव कर लेना, ठीक है। एक बार क्लिक करना तो आपको सेव हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद फिर से प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन का जो है कि नाम सर्च करना है, बेरी बाइट बोल के, ठीक है। तो बेरी बाइट बोल के एप्लीकेशन जो है कि आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के जरिए हम लोग जो है कि इसे 80 रुपीज वाला ऑफर को अप्लाई करेंगे, और इस एप्लीकेशन के अंदर सर्वर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, स्मूथली वर्किंग है। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद एप्लीकेशन को अपने ओपन कर लेना। इसके बाद इधर आपको साइन इन विद गूगल दिखाई देगा, तो साइन इन विद गूगल पे क्लिक करके जो मेल आईडी पे आपको ऑफर मिला है उसी मेल आईडी को आप इधर रजिस्टर कर लेना, ठीक है। मतलब जिस मेल आईडी पे आपको 80 रुपीज वाला ऑफर शो हो रहा था, बस वही मेल आईडी आपको इधर जो है कि बाइंड करना है। साइन इन विद गूगल पे क्लिक करके वही मेल आईडी आप चूज कर लेना। तो आपको 80 रुपीज वाला ऑफर मिला है तो अमाउंट जगह पे आपको जो है कि 100 रुपीज चूज करना है। 100 रुपीज चूज करने के बाद आपको यूपीआई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद इधर यूपीआई आईडी डालने के लिए बोल रहा है, तो यूपीआई आईडी आप सही फिल करना, और ये जो अमाउंट 100 रुपीज आपने चूज किए हो तो इस इधर जो है कि आपको जो है कि रिटर्न आएगा 60%। मतलब 100 रुपीज आप चूज करोगे तो 60 रुपीज आपको यूपीआई आईडी पर भेजा जाएगा। तो आपको अकाउंट पे जो है कि 80 रुपीज वाला ऑफर मिला है, तो 100 रुपीज अमाउंट आप इधर चूज किए हो, तो 100 रुपीज करने के लिए आपको बैंक से 20 रुपीज पे करना पड़ेगा। प्ले स्टोर का 80 रुपीज वाला ऑफर आपने बैंक से 20 रुपीज पे कर रहे हो, टोटल मिला के 100 रुपीज हो रहा है। और ये एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही 100 रुपीज आ जाएगा, इसके बाद ये एप्लीकेशन आपने जो यूपीआई आईडी फिल किया हो उसी यूपीआई आईडी पर जो है कि 60 रुपीज भेजेगा। 60 रुपीज भेजेगा तो आपको 60 से 20 माइनस करना है, क्योंकि 20 आपने अपने जेब से पे किया था, तो 20 और 60 माइनस करेंगे तो 40 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 80 रुपीज वाला ऑफर मिले तो आपको फ्लैट 40 रुपीज प्रॉफिट होगा, और जो कैशबैक आता है या जो भी अमाउंट आपको यूपीआई आईडी पर भेजा जाता है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर भेजा जाता है, ठीक है। क्योंकि प्ले स्टोर का कुछ रूल्स वगैरह होता है ना, तो उसी के हिसाब से जो है कि 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो आप अपने हिसाब से ऑफर को अप्लाई करना, ठीक है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके कन्वर्ट योर रिवॉर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद इधर यूपीआई आईडी नेम वगैरह देख लेना, देन कंफर्म करना। कंफर्म करने के बाद आपको एड यूपीआई पर क्लिक करना है। एड यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपको इधर जो यूपीआई आईडी बाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आप अपने हिसाब से यूपीआई आईडी बाइंड कर लेना जो यूपीआई आईडी थ्रू आप पेमेंट करोगे 20 रुपीज। गाइस आप देख सकते हो मैं इधर यूपीआई आईडी फिल कर लिया। इसके बाद ऑफर अप्लाइड जो है कि 80 रुपीज ऑफ दिखा रहा है एंड 20 रुपीज जो है कि मेरे को पे करना है। तो आपको जस्ट नीचे बाय पर क्लिक करना है। अब जैसे ही बाय पर क्लिक करेंगे देन आपको जो है कि पासवर्ड होता है ईमेल का, उसी पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। इसके बाद जो है कि प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ यूजर्स को जो है कि ऐसा कुछ पेमेंट अनसक्सेसफुल बोल के आ रहा है या तो पेमेंट डिक्लाइन आ रहा है, तो वो लोग क्या करोगे, वो लोग नीचे देखना कि पे अनदर वे पे क्लिक करेंगे, तो देन आप लोगों को इधर जो है कि एड क्रेडिट और डेबिट कार्ड बोल के ऑप्शन रहता है, तो एड क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे क्लिक करके आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है उसी बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड को आप इधर फिल करना है। डेबिट कार्ड फिल करके आपको जो है कि पेमेंट करना है 20 रुपीज, आपको हो जाएगा, ठीक है, और डिक्लाइन का इशू नहीं आएगा। जैसे गाइस मेरे पास एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, तो मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है कि मास्टर कार्ड
कार्ड जो है कि फिल किया हूं इधर। इसके बाद मैं एयरटेल कार्ड के जरिए ओटीपी वगैरह फिल करके जो है कि मैं 20 रुपए सक्सेसफुली इधर पे कर दिया और अब देख सकते हो मेरा ट्रांजेक्शन जो है कि सक्सेसफुल आ रहा है। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद नो थैंक्स पे क्लिक करके आप ओके पर क्लिक कर देना। देन इसके बाद आपको इधर नॉट नाउ पे क्लिक करके पेमेंट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल इधर हो जाएगा प्लेस्ड। इसके बाद 3 लाइन पे क्लिक करके आप अपने ऑर्डर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो और 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर जो है कि आपको पैसा जो है कि 60 रुपीज आपका जो यूपीआई आईडी फिल हुआ है उसे यूपीआई आईडी पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है कि 80 रुपीज वाला ऑफर को कर लेना। और जो है कि 180 वाला का वीडियो अलग है। अभी चलिए गाइस, अनलिमिटेड आपको कैसे आइसलैंड एप्लीकेशन के जरिए करना है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आइसलैंड बोल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करना, देन थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे एक्सेप्ट दिखाई देगा, एक्सेप्ट पे क्लिक करके सेट वर्क प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको वर्क प्रोफाइल को जो है कि सेटअप करना। जो भी नेक्स्ट आएगा आप नेक्स्ट पे क्लिक करके जो है कि आइसलैंड एप्लीकेशन को जस्ट ओपन करके सक्सेसफुली मेनलैंड आइसलैंड ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई देगा तो आप सेटअप कर लेना। ठीक है, सेटअप करने के बाद आपको देखना कि आपको डिवाइस में और एक फोल्डर जो है कि क्रिएट हो जाएगा वर्क बोल के, जैसे गाइस आप देख सकते हो। तो इसी वर्क फोल्डर के अंदर जो है कि या वर्क ऑप्शन के अंदर जो है कि आपको आइसलैंड सेटिंग, प्ले स्टोर एंड सिंपल सेटिंग तीनों ऑप्शन दिखाई देगा। हो सकते हैं क्रोम पर वगैरह या तो डाउनलोड वगैरह ऑप्शन भी ऐड हो जाए, लेकिन 3 से 4 जो है ऑप्शन ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। अब आपको ये जो आइसलैंड का प्ले स्टोर है, आइसलैंड का प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास दूसरा कोई मेल आईडी पे 80 रुपीज वाला ऑफर मिला है तो, या और कोई भी अलग अलग ऑफर मिला है तो उसी मेल आईडी को आपको इसी आइसलैंड के अंदर आके जो है कि लॉग इन करना है। मेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, डल के आप प्ले स्टोर को सेटअप कर लेना जो मेल आईडी पे आपको ऑफर मिला है। ठीक है, अनलिमिटेड करने के लिए। इसके बाद आपको इसी प्ले स्टोर के अंदर जो है कि बेरी बाइट बोल के जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लेना। देन जो प्रोसेस में आप लोगों को बोला था कि बेरी बाइट एप्लीकेशन ओपन करके 80 रुपीज वाला ऑफर मिले तो अमाउंट जगह 100 रुपीज चूज करना और 180 रुपीज वाला ऑफर मिले तो 200 रुपीज चूज करना। ऐसे करके यूपीआई वगैरह चूज करने के बाद सारी चीज फिल कर लेना, जो पहले जो स्टेप बताया सेम टू सेम वही कर लेना। ठीक है, करने के बाद ऑफर को कंप्लीट करना हो जाएगा। एक बार ऑफर कंप्लीट करने के बाद आपको जो है कि आइसलैंड का सेटिंग बोल के जो एप्लीकेशन है, आइसलैंड का सेटिंग को आपको ओपन करना है। देन स्क्रॉल करके एकदम नीचे आना। नीचे आने के बाद डिस्ट्रॉय परमानेंटली बोल के एक ऑप्शन रहता है, तो डिस्ट्रॉय पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिस्ट्रॉय पर क्लिक करेंगे देन आपको ये जो आइसलैंड का वर्क प्रोफाइल है एकदम डिलीट हो जाएगा, आप ऊपर से देख सकते हो। और इधर आप स्क्रॉल करके देखने की आपको वर्क बोल के कोई भी और ऑप्शन नहीं रहेगा, आप देख लीजिए बस आइसलैंड रहेगा। फिर सब आइसलैंड को ओपन करना। ओपन करने के बाद देखो एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपको फिर से न्यू प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे करके जो है कि आप अनलिमिटेड कर सकते हो। एक बार आइसलैंड से करने के बाद आइसलैंड में जो भी वेरीफाइड एप्लीकेशन डाउनलोड किया हो उसका जो है कि हिस्ट्री लेके रखना, ऑर्डर आईडी वगैरह जो भी है एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख देना। ठीक है, और सेम प्रोसेस आइसलैंड सेटिंग पे आके डिस्ट्रॉय करके जितने बार करना चाहोगे कर सकते हो, कोई इशू होने वाला नहीं है और अनलिमिटेड आप ऐसे प्रोसेस फॉलो करके जो कि कर सकते हो। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर जो कि मेरे पास मैसेज कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहां तक, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना। वीडियो जो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।